आरक्षण यदि खत्म करना है तो जहां हमारा आरक्षण नहीं है वहां दे पहले। आरक्षण सरकार के बात पहुंची नहीं है, ये हम लोगों का अधिकार है जो अम्बेडकर देखे गए हैं। रिजर्वेशन में फैसला करने का अधिकार संसद को है, माननीय सुप्रीम कोर्ट किसमें कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाही पूर्ण है, इसका हम पूरे देश में प्रतिशोध करेंगे। जो बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं का बराबर का हक दिया था, अधिकार दिया था, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं हमारा? आरक्षण कोई हमारा भीख है? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज। भारत बंद है आज और इसके समर्थन में तमाम BSP कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार BSP जो बहुजन समाज पार्टी है वो आरोप लगा रही है BJP और समेत तमाम पार्टियों पे कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है SC ST का। बात कर लेते हैं लोगों से, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं सरकार की, सरकार से आप क्यों कर रहे हैं? सरकार ये कह रही है जो आरक्षण खत्म करना चाह रही है, आरक्षण यदि खत्म करना है तो जहां हमारा आरक्षण नहीं है वहां दे पहले, ठीक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के माध्यम से यानी मोदी सरकार के माध्यम से जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को उनको वापस लेना चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारे SC ST समाज में लड़ाई हो, फूटन हो, जैसा कि उन्होंने OBC के साथ किया। OBC में क्रिमिनल लायर किया तो SC ST में क्रिमिनल लायर करना चाहते हैं। क्या क्रिमिनल हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं आरक्षण मिला, क्या सारे एक 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 बाप को यदि संपत्ति मिलने के बाद दूसरी औलाद उसकी उस नहीं आ सकती है? पिता ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है तो उसका पुत्र को अधिकार नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट में 3 पीढ़ी से लगातार उसके दादा परदादा और आज वर्तमान समय में चूर चंदूटूर साहब हैं, उनके बाबा थे, बाप थे और खुद हैं, उन्होंने जजमेंट जो गलत लिया है उसे वापस लें, ये हमारी डिमांड है। लगातार आरक्षण को लेकर मांग तो कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला ले दिया है और भारत सरकार ने भी कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर देखिए, 2017 में सरकार ने ST ST OBC का आरक्षण खत्म किया था। आरक्षण सरकार के बात की पहुंची नहीं है, ये हम लोगों का अधिकार है जो अम्बेडकर देखे गए हैं। ये सरकार जो है अधिकार हम लोगों को छीनना चाहती है। हम लोग लड़के मर के भी अधिकार अपना नहीं खोएंगे और जो है सरकार को हम गिराना भी जानते हैं, बनाना भी जानते हैं। सरकार से हम लोग कहीं दबने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े उनको लेना पड़ेगा आरक्षण वापस। और 2027 के बाद बाबा जी और योगी जी चले जाएंगे क्योंकि इतने अत्याचार कर रहे हैं। ना हमारे देश की बेटियां सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना ST ST OBC सुरक्षित है। कहीं से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, सब कुछ बिल्कुल भंग कर रखा है। कहीं ना कहीं से कोई जुलम कुछ ना कुछ करके लाते ही हैं, उनको क्या जरूरत थी? लेकिन सरकार ने तो कह दिया है कि अभी इस पर कोई विचार नहीं होगा, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मोदी जी ने भी कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार को यही करना था तो ये आपसी फुटमेट करने का क्या मतलब है? SC ST को अलग करने का क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम को अलग करने का क्या मतलब है? सभी ये सर्व समाज के लोग हैं। कभी भी भाजपा सरकार ये नहीं कह रही है कि हिंदू मुस्लिम और जो कि सर्व समाज एक साथ मिलकर चले। सिर्फ बहन जी एक ऐसी नेता है जो कि सर्व समाज को लेकर चलने वाली नेता है। बहन कुमारी मायावती जी ने इतने कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ दलितों के बारे में सोचा, बहन जी ने सिर्फ पूरे सर्व समाज के बारे में सोचा है। क्यों लगने लगा आप लोगों को कि आरक्षण खतरे में है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तानाशाही, मोदी सरकार ने तो उस पर जवाब दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तानाशाही पूर्ण है, वो आपस में अनुसूचित जातियों को लड़ाना चाहती है, इसलिए आज पूरे देश का दलित जो है सड़क पर उतरा हुआ है और इसका हम प्रतिशोध करते हैं। सबसे पहले क्लोजियम सिस्टम में जो है क्लोजियम सिस्टम का वर्गीकरण होना चाहिए कि जज का बेटा जज बन रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को पहले फैसला करना चाहिए। इसके बाद ये रिजर्वेशन में फैसला करने का अधिकार संसद को है, माननीय सुप्रीम कोर्ट किसमें कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाही पूर्ण है, इसका हम पूरे देश में प्रतिशोध करेंगे, किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट फैसला मानेंगे नहीं। तो पूरे देश में बसपा के कार्यकर्ता इसी तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज के आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठन जो दलित समाज के उस आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के खिलाफ है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिशोध करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने नेतृत्व किया है,
इसलिए सारा दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आज मैदान पर उतरा हुआ है। आदेश के खिलाफ यहाँ पर तमाम बसपा के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इनके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। क्यों लगने लगा आपको कि आपका आरक्षण खतरे में है? एससी एसटी का आरक्षण खतरे में क्या खत्म कर दिया जा रहा है और एससी एसटी ओबीसी को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं रेखा आर्या युवा टीम की तरफ से हूँ और जो बहन जी का फैसला है मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आंदोलन करो और साथ दो तो हमारा बहुजन समाज को निकलना चाहिए और आरक्षण खत्म। जब महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्या महिलाओं पे अत्याचार बंद है? क्या कोई बेटी सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। आए दिन हर आधे घंटे में हर 15 मिनट में ये लगता है कि एक बलात्कार हुआ है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, शिक्षा आरक्षण और रोजगार पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम बहन जी का समर्थन कर रहे हैं और आज देखिए दिख रहा है कि हम लोगों के अंदर आक्रोश है और आज हम लोग यहाँ हजरतगंज में बाबा साहब की प्रतिमा के पास खड़े हैं, जो बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं का बराबर का हक दिया था, अधिकार दिया था। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं तो इन सरकारों से, चाहे राज्य सरकारें हैं, चाहे हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये नारा कहीं से कामयाब नहीं है। कम से कम अभी मौजूदा सरकार में कितने सारे ओबीसी नेता वहाँ मौजूद हैं सरकार में, उनका क्या मानना है, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? हमारे बहुजन समाज के 31 एमपी बैठे हैं पार्लियामेंट में, पर वो अपनी बात अगर ठीक से कह रहे होते तो शायद सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता, मगर नहीं हो रहा है। अपनी आवाज को क्या, जिन सरकारों में बैठे हैं तो उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनकी भी आवाज को दबाया जा रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मायावती का और क्या कहना है इस पर, क्या वो रोड पे आएंगी, सड़कों पे आएंगी? जो कोर्ट का फैसला है इसको वापस लें, आपस में लड़ाने का काम ना करें और हम लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए बेटियों को। हम आपसे कहेंगे जब बहन जी की सरकार होती थी चार चार अब क्या आपका मानना है, आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये सरकार से मांगे हमारे क्या हैं? आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं? हमारा आरक्षण कोई हमारा भीख है? ये हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, पूरा परिवार बलिदान कर दिया, बाबा साहेब ने आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं? वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है और छीन के लेंगे। सारे हमारा ऑफिस खाली पड़े हैं, सारे रिटायरमेंट हो गए हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, पेपर आउट हो रहा है, ये सरकार नौकरी क्यों नहीं दे पा रही है? इस सरकार में एससी एसटी भी तो नेता मौजूद हैं, शामिल हैं सांसद, ये एससी एसटी नेता क्यों नहीं आवाज उठाते? अगर वो आवाज उठा रहे होते तो हमको ये करना नहीं पड़ता। ये एससी एसटी के नेता वहाँ बैठ के आराम से जो मक्खन खा रहे हैं, ये यहाँ से भेजे गए वो भी यहीं से गए हुए हैं, ये समाज की आवाज क्यों नहीं उठाना चाहते? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम जो होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मेरा अगला कदम भारत बंद ये हुआ है और भारत बंद के आगे भी जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग सभी पे तत्पर रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हमको सुरक्षा भी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा नहीं सरकार में, सरकार सुरक्षा तो दे महिलाओं की, बेटियां पढ़ लिख गई हैं, सब हो गया, उनकी सुरक्षा नहीं है, रात में आ रही दिन में आ रही नहीं सुरक्षा है, आरक्षण खतर कर रहे, एससी एसटी ओबीसी कर रहे, ये तो कह रहे महिला अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया है सरकार। कहाँ से खत्म हो गया महिला अपराध? अभी 1-1.5 हफ्ते की पहले की बात है, 1 हफ्ते की कलकत्ता में इतना बड़ा कांड हो गया। अभी देखिए बस में 4-5 लड़कों ने गैंग रेप कर दिया, क्यों कर दिया ये सीखे, कहाँ से खत्म हो गया? मेरे को तो नहीं दिखता और बढ़ गया है, पहले तो नहीं था इतना, अब तो बढ़ता चला जा रहा है दिन पर दिन। ये एससी एसटी सरकार, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, महिलाओं की सुरक्षा दे और हमारा बच्चों को नौकरी का पूरा ध्यान दे और पूरे ऑफिसों में सीट वैकेंसी अपनी भरनी चाहिए। ये आप लोगों का धरना प्रदर्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? ये हमारा सरकार के खिलाफ हो रहा है, ये हमारा जो एससी एसटी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला गलत दिया है, इनसे मैं कह रही हूँ कि मैं इनके फैसले से सहमत नहीं हूँ, ये फैसला वापस लेंगे अपना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, तो एससी एसटी का आरक्षण जिस तरह से छीनने की बात हो रही है, इनको लग रहा है कि आरक्षण छिन जाएगा,
लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ पे तमाम बसपा कार्यकर्ता चुनौती दे रहे हैं। तमाम बसपा कार्यकर्ताओं का और बसपा पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, अपने फैसले को जल्द से जल्द वापस करना चाहिए, क्योंकि ये इनका जन्मान अधिकार है, जो आरक्षण है वो इनसे ना छीने, वरना इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और तमाम एक्शन लिए जा सकते हैं इस पार्टी की तरफ से। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ सांपला।